वो सब सुना तो जो वहां सुनाई, मुझे नहीं पता कहाँ सुनाई, लेकिन ये माइक पे सेटिंग हो, तो इसलिए मैंने कह दिया वो सब सुनाऊंगा जो जो आप कह रहे हो। ये चार महीने सुनना पहले, आप में से बहुत सारे लोग रील बनाते होंगे, देखते तो सब है, मैं खुद देखता हूँ, तो रील्स बनाते हो, मैं रील्स बनाने वालों के लिए चार महीने पढ़ता हूँ कमाल है। और बस आप लोग आने दें, इसका आवाज थोड़ा सा हल्का सा इको दे देना, बाकी सब लोग जो है वो सुर में गाते हैं, मैं महिषा सुर में गाता हूँ। चार लाइन सुनिएगा कि ले ली थी जीत हमने मगर मात ले लिए, ले ली, इतनी नहीं करनी भाई आवाज गूंज रही है, ऐसा लग रहा है मैं और मेरे पिताजी एक साथ सुन ले ली थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए सच बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने पेड़ पंडित ले। चार लाइन बिल्कुल नहीं और मुझे देखकर सीटी बजाने वाले, अपनी आंखें और किस्मत दोनों एक साथ चेक करो, मैंने खाली बाल बड़े किए आइए दादा चार लाइन सुनिएगा, वादा जो करो उससे तो इतना न निभाना, वादा जो करो उससे तो इतना न निभाना, पड़ जाए लेन देन न कोई राज बताना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, भूले से भी पत्नी को एसडीएफ बना। अब अगली चार महीने आप सबको परमानंद की प्राप्ति, पबजी में डूबा डूबा है मगर सा लड़का, पबजी में डूबा डूबा है मगर सा लड़का, हर लड़की जिसको कहती है लंगूर सा लड़का, हर लड़की जिसको कहती है लंगूर सा लड़का, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा फिर आए थे आपकी किस्मत में भी योग कि बाबूजी मैं डूबा, पहले तो वैसे चार लाइनें आपके लिए सुना, सही बात है जी, एक तो धारा 370 के कवि हैं हरिओम पवार जी, दिनेश रघुवंशी जी, धारा 370 खत्म उस पर सुनाते हैं, उसके पहले खत्म हुई थी 377। ये जब मेरे लिए माला लेकर के आए त्यागी जी तो मुझे याद आया, सीधा समझ के लाए थे उल्टा निकल गया। एक लिमका समझ के लाए थे माता निकल गया, ताजे की थी तलाश तो माता निकल गया, कानून के बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा, चाची समझ के लाए थे चाचा, पबजी ने डूबा डूबा है मगरूर लड़का, पबजी ने डूबा डूबा है मगरूर सा लड़का, हर लड़की जिसको कहती है लंगूर सा लड़का, किस पे पिता है हो गई बच्चों की भी अम्मा, लंबू सा सजन दे त्यागी जी, एक आदमी की जब शादी हुई तो शादी के ठीक पांचवें दिन जिस ब्यूटी पार्लर से उसकी पत्नी तैयार होकर के आई थी वहां गया और जाकर के उसने एप्पल का एक मोबाइल गिफ्ट किया, जब उस ब्यूटी पार्लर ने डिब्बे को खोला तो उसमें नोकिया 1100 निकला, तो ब्यूटी पार्लर वाले ने पूछा ये क्या मजाक है,
बोला वही जो तुमने मेरे साथ किया। कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भल बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बना। कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। नहीं है और पास तेरे अपनी कोई भिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रचाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, बाबा थे कई कितनी लंगोटी चुरा गए, जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की ही टोली चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कभी क्लास में अध्यापक आया, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए तो वही खड़ा हो, बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। संस्कृत का अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो, मैंने किया, माँ तू सो जा मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे इसमें कौन सा अलंकार है, मैंने कहा असंभव अलंकार है। बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ, मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। हिंदी के अध्यापक ने फिर पूछा, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की, मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। सर हिंदी के अध्यापक ने फिर पूछा, हास्य और व्यंग्य एक साथ आपको मिल जाए तो आपको आनंद पहुंचे तो मुझे बताइएगा। हिंदी के अध्यापक ने पूछा माल्यार्पण किसे कहते हैं, मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके माल्या को अर्पित कर दे कहते हैं। मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए चेक ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे, मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते, मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। बोले दशमलव किसे कहते हैं, मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लग हो जाए। फिर पूछा बोले एक्स की वैल्यू बताओ, मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या बात है, इधर बाबा जी भी हंस रहे, दादा तुम्हें एक्स की वैल्यू बताए। मेरे पड़ोस में एक लड़की रोज नागिन डांस करती थी, एक दिन मैंने कहा कभी डस्ती क्यों नहीं, जितनी महिलाएं बैठी हैं प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट, इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया, वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है ऊपर पप 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 करती है। हमारी अंतरिक्ष की संस्था इसरो, आपको पता है अभी चांद पर जाकर के पहुंचने ही वाला इसरो, आप एक बार इसरो के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। तालियां बजवाई क्योंकि इसरो से मेरा बचपन है।
क्या नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां उस रूम में बैठे, लड़के इस रूम में बैठे, अपना उस दिन क्या नाता है। चीनी को जमा करके फिर से मैंने तो अमर उजाला अखबार में लिखा हुआ था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा ये पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगाई। तो मैंने अखबार में दिया हुआ नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर आदि कॉलिंग आवाज आने लगी। बोले जी नमस्कार अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए एक दवाई, चार पापड़ी के लिए दो दवाई, शक्कर के लिए तीन, गोलगप्पों के लिए चार, सब कुछ एक दुकान में मिलती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने एक दवा दिया। लड्डू लेने के लिए एक दवाई, बर्फी लेने के लिए दो दवाई, जलेबी लेने के लिए तीन दवाई, रसगुल्ले लेने के लिए चार, तो मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने फिर एक दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए, तिल के लड्डू लेने के लिए चार, मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने फिर एक दवा दिया। एक किलो लेने के लिए एक दवाई, दो किलो लेने के लिए दो दवाई, तीन किलो लेने के लिए तीन दवाई, सौ किलो लेने के लिए चार दवाई, एक दवा ना था गलती से चार दवाई। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। एक मिनट बाद कॉल में गाली बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा ये तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भाई ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही, घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए एक भाई, छोटे से बात करने के लिए, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए। क्या आनंद ले रहे हैं आप लोग। अनिल भाई कह रहे थे शंभू भाई ये सारे बिहारी आईएएस आईपीएस बनते हैं, कितना दिमाग होता है तुम्हारे अंदर। मैंने कहा जितना तुम्हारे अंदर होता है ना उतना तो हमारा खराब रहता है। बोले बच्चे का पैदा होने सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का। मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। कितने समझदार लोग हैं आप लोग, एक ही पंक्ति में सारा साल समझ जाते हैं। पोशाक पूरा नीली है अभिनव हूँ मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कल रब हूँ मनाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहाँ में शंभू के साथ।